हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 5 Pro के लिए अवेलेबल MIUI NSA 20.2.27 वर्जन, जो कि फाइनली जो है Redmi Note 5 Pro के यूजर्स के लिए रिलीज हो चुका है। काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा मॉड्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, कैमरा टू API इनेबल्ड है और थर्ड पार्टी थीम्स को भी ये सपोर्ट करता है। तो ये आज का वीडियो उसी के ऊपर है। अगर आप Redmi Note 5 Pro यूजर हैं देन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी अच्छा रोम है और कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चलिए तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 5 Pro और इसके अंदर आज हमने जो है MIUI का NSA वर्जन जो है उसको इंस्टॉल कर रखा है। मैं सबसे पहले आपको इसमें माई डिवाइस में इसके ऑल स्पेक्स दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कौन सा ये रोम है और कौन से वर्जन पे ये रन कर रहा है। तो ये देखिए, MIUI वर्जन जो है MIUI 11 का NSA 20.2.27 बीटा वर्जन है ये। एंड्रॉइड वर्जन अभी आपको 9 ही मिलता है आपको, और सिक्योरिटी पैच लेवल जो है इसके अंदर लेटेस्ट आपको मिलता है 1st of March 2020 का। आप इसके अंदर सिक्योरिटी वर्जन देख पाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कैमरा टू API के अंदर इनेबल्ड है, साथ ही साथ MIUI कैमरे के अंदर आपको AI मोड मिलता है। अगर आप वीडियो में जाते हैं, वीडियो सेटिंग्स को देखते हैं, तो आपको उसके अंदर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो क्वालिटी जो है आप 4K 30fps और 1080p की 30fps और 60fps में इसके अंदर वीडियोस को शूट कर पाते हैं। अगर आप स्टेटस बार के आइकन्स देख पा रहे होंगे तो आपको iOS स्टाइल के आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। वर्टिकल आपको नेटवर्क आइकन्स देख रहे हैं, वो वाईफाई दोनों सिम्स में काम कर रहा है। कुछ आपको इस तरह का लुक अपने फोन के अंदर देखने को मिलता है। कॉलिंग स्क्रीन की बात करें तो वो वाईफाई जो है दोनों फोन्स पे काम कर रहा है, यानी कि दोनों सिम्स पे काम कर रहा है, हमारे एयरटेल पे भी और हमारे जियो पे भी ये परफेक्टली काम कर रहा है। कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप इसकी सेटिंग्स में जाइए, आपको इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स आपको कैसी चाहिए उनको आप सेटअप कर सकते हैं। आपको लोकेशन वगैरह वो मिलते हैं। आपको एडवांस सेटिंग्स में आप जाते हैं तो आपको कौन कौन से बटन्स चाहिए आप उनको सेटअप करते हैं। बटन्स इन वन रो चाहिए तो आप उनको वन रो में भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको कॉल विंडो आपको कैसे चाहिए, फुल स्क्रीन फोटो, ये सब चीज़ें। तो जैसे मैंने वन बटन कर दिया है इसको, वन लाइन बटन, तो अब आपको जो है कुछ इस तरह का लेआउट अपनी कॉल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का लेआउट आपको अपने फोन पे यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है जो थीम स्टोर है आपका, उसके अंदर जो है आपको थर्ड पार्टी थीम्स का सपोर्ट मिल जाता है। हम थीम्स में चलते हैं और एक थर्ड पार्टी थीम जो हमने अपने फोन में डाउनलोड कर रखी है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इंपोर्ट करते हैं हम और एक थर्ड पार्टी थीम को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, और उसके बाद जो है थर्ड पार्टी थीम जो है परफेक्टली आपके फोन के अंदर इंपोर्ट हो जाती है बिना किसी एरर के। देखिए, मैं अप्लाई कर देता हूं और आपको कुछ अलग सा ही लुक अब अपने फोन के ऊपर यहां पे देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी थीम है, काफ़ी अच्छी, परफेक्टली डार्क मोड पर भी काम करती है। क्विक सेटिंग्स पैनल जो है कंप्लीटली इसका चेंज हो जाता है। कुछ इस तरीके का आपको क्विक सेटिंग्स पैनल यहां पे देखने को मिल जाता है। तो इस टाइम पे वापस मैं थीम्स को डिफॉल्ट पे कर देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ जो है ठीक से इस रूम में दिखा सकूँ। जिसको हम एक बार डिफॉल्ट थीम पे वापस चले जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो थीम मैंने आपको दिखा दी है, वो फाइव कॉलिंग चलती है इसमें, कैमरा भी आप इसके अंदर देख चुके हैं। ऐप वॉट जो है वो भी आपको इसके अंदर लेटेस्ट मिलता है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके आप इसे कवर इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कवर इमेज है, हम कोई भी फोटो लेके उसको कवर इमेज सेटअप कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं वॉलपेपर की एक फोटो ले लेता हूँ और उसको यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ, ओके कर देते हैं। और उसके बाद जो है देखिए, आपके ऊपर जो है आपका कवर इमेज यहाँ पे सेटअप हो जाती है ऐप वॉट के अंदर। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं सेटिंग पैनल के अंदर और कुछ और चीज़ों को भी चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ऐप ड्रॉ दिखाता हूँ। ऐप ड्रॉ जो है आपको लेटेस्ट मिलता है, जो आपको नया इसके अंदर देखने को मिल जाता है। आपको कोई भी फालतू MIUI की एप्लीकेशंस इसके अंदर नहीं देखने को मिलती, यानी कि आपको परफॉर्मेंस जो है इस रूम पर काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपको कोई भी क्रैप एप्लीकेशन या कोई भी एड्स वगैरह इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम सेटिंग्स पैनल पर चलें तो सेटिंग्स पैनल का लुक आपको कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। अगर हम लॉक स्क्रीन पर जाएँ तो लॉक स्क्रीन में आपको स्लीप, रेज टू वेक, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन मिल जाता है, टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू वे, ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं, पावर मेनू एक्सेस मिल जाता है, वॉलपेपर कैरोसेल मिल जाता है आपको लेटेस्ट, और साइड पैनल्स शॉर्टकट्स भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको कुछ कस्टम मोड्स भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। डार्क मोड आपको मिल जाता है इसके अंदर। डार्क मोड के अंदर आप एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड, ये ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख पाते हैं, जो कि परफेक्टली काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको आपके MIUI 11 के स्टेबल वर्जन में अभी देखने को नहीं मिला है। उसी तरीके से हम स्टेटस बार पर जाएं तो स्टेटस बार में आप स्टाइल्स को चेंज करते हैं। जैसे हमने iOS यूज़ किया है, अगर आपको AOSP चाहिए तो आप AOSP कर सकते हैं। अब आपका जो स्टेटस बार है वो AOSP स्टाइल में हो जाता है, बट iOS स्टाइल को मैं प्रेफर करता हूं तो मैं उसी को यूज करूंगा। आप क्लॉक की जो टेक्स्ट साइज है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे 17 है, अगर 25 कर देते हैं, देखिए क्लॉक साइज काफी बड़ी हो जाती है, तो आप इसको 15 या 16 के आसपास रखें तो काफी बेटर लगती है। उसी तरीके से परसेंटेज और नेटवर्क स्पीड को भी आप यहां पे चेंज करते हैं। टॉगल्स इन मिनिमम शेड को आपको 5, जैसे आप देख पा रहे हैं मिनिमम शेड में अभी आपको 5 दिख रहे हैं, अगर आपको इसको और कम करना है 3 कर दीजिए, उसके बाद आपको 3 ही दिखेंगे। कितनी रोज चाहिए उन सबको आप
मैनेज कर देते हैं। ब्राइटनेस पैनल आप देख पा रहे होंगे, ब्राइटनेस पैनल की जो विड्थ है काफ़ी कम है। अगर आप इसको हाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए इसकी जो ब्राइटनेस पैनल की हाइट है वो भी आप इसको यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर पा रहे हैं। ये कुछ ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको ब्लर स्टेटस बैकग्राउंड मिल जाता है, उसी तरीके से कुछ और ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं जैसे नेटवर्क आइकन वर्टिकली। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारी दोनों सिम के जो नेटवर्क हैं वर्टिकली शो कर रहे हैं। अगर आपको इनको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इसको डिसेबल कर दीजिए, उसके बाद जो है दोनों आपके जो नेटवर्क आइकन हैं वो आपको यहाँ पे ऑरिजिनली शो करना शुरू कर देंगे। एक बार आपको सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बैटरी इंडिकेटर, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे से देखने को मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन शेड शॉर्टकट, कोलैप्स आफ्टर टच, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। हाइड अलार्म आइकन या हाइड ब्लूटूथ आइकन, ये भी आपको इसके सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से एनिमेशन भी आपको मिल जाते हैं, जैसे काफ़ी सारे एनिमेशन की लिस्ट मिल जाती है। सपोज हम फोल्ड को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप एनिमेशन को भी यहाँ पे इजीली जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएं तो साउंड एंड वाइब्रेशन का लुक एज इट इज वही है, आपको प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल्स मिल जाती है। एडिशनल सेटिंग्स में जाएं तो कुछ और ऑप्शंस भी आप यहाँ पे देख पाते हैं, और ईयरफोन्स में जाके भी आपको असाइन बटन या फिर मी साउंड एनहेंसर या इक्वलाइजर भी आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में जैसे मैंने बताया इसके अंदर आपको रेगुलर और ऐप ड्रॉ के साथ ऑप्शन मिलते हैं। आप इसके अंदर ऐप वॉल्ट चाहते हैं कि गूगल चाहते हैं आप गूगल कर लीजिए। अब आपकी होम स्क्रीन के ऊपर जो पहले राइट स्वाइप करने पर ऐप वॉल्ट लॉन्च होता था अब वहाँ पर गूगल की फीड आपके सामने शो करेगी, तो ये ऑप्शन भी आपको होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऐप ड्रॉ के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड किस तरीके चाहिए आप उसको कर सकते हैं, ब्लर इफेक्ट उसमें देखते हैं, स्क्रोल बार किस तरीके चाहिए, ओरिजिनल लेआउट या ए टू जेड, ये ऑप्शन भी आप इसके ऐप ड्रॉ में देख पाते हैं। ग्लोबल सर्च प्रोवाइडर आप इनको सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ होम स्क्रीन लेआउट को आप 4x6 से लेकर 6x8 तक कर सकते हैं, जो कि आपको आपके MIUI 11 के स्टेबल वर्जन में देखने को नहीं मिलते हैं। आइकन साइज को भी आप यहाँ पे इजीली चेंज कर पाते हैं। शो मेमोरी स्टेटस आपको मिल जाता है, ब्लर ऐप प्रीव्यूज, फोल्डर बैकग्राउंड, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फोल्डर, सिग्नेचर आइकन आपको 1 लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए, रनिंग लाइन चाहिए, वो ऑप्शन मिल जाता है। सोर्स सजेशंस भी आपको मिल जाती हैं, अब आपको जो है ऊपर यहाँ पे सजेशंस देखने को मिल जाएंगी, तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं। वॉलपेपर में वही आपको डिफॉल्ट वॉलपेपर मिलते हैं। थीम्स में आपको बता चुका हूँ थर्ड पार्टी थीम को सपोर्ट करता है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, सारी चीज़ें इसके अंदर परफेक्टली काम करती हुई नजर आ रही हैं। बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाएं तो आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड भी इसके अंदर यहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप परफेक्टली यहाँ पे यूज कर पाते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में जाएं तो वही आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले, बटन शॉर्टकट्स, नोटिफिकेशन लाइट, क्विक बॉल, वन हैंडेड मोड, एक्सेसिबिलिटी, डेवलप ऑप्शन या OTGB सपोर्ट आप यहाँ पे देख पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। स्क्रीन टाइम यानी डिजिटल वेलबींग भी आपको इसके अंदर लेटेस्ट ही देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको फोकस मोड भी यहाँ पे परफेक्टली काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ काम करता है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों इस पर परफेक्टली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए हॉटस्पॉट को मैंने इनेबल कर दिया, तो वाईफाई और हॉटस्पॉट हमारे दोनों एक साथ काम करते हुए इसके अंदर नजर आ रहे हैं, उसमें सच है कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलता है। रोम इस टाइम पे काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी परफेक्टली काम कर रहा है आपके Redmi Note 5 Pro के ऊपर। कोई भी आपको इसके अंदर एड्स देखने को नहीं मिलते हैं और कोई भी आपको इसके अंदर फालतू की एप्लीकेशंस इसके अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। तो अब हम एक बार इसका बेंचमार्क स्कोर चेक कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि परफॉर्मेंस क्या है इस रोम की। तो मैं एक बार जो बेंचमार्क एप्लीकेशन है उसको लॉन्च कर देता हूं और आपको थोड़ा सा इसका स्कोर बता देता हूं। देखिए स्कोर मिलता है 148684, जो कि काफ़ी अच्छा बेंचमार्क स्कोर है इस रोम का Redmi Note 5 Pro के ऊपर। अब PUBG लवर्स पूछते हैं कि PUBG आप कौन से मोड पे खेल पाते हैं, तो PUBG जो है आप इसके अंदर HD मोड पे नहीं खेल पा रहे हैं, सिर्फ बैलेंस मोड पे ही खेल पा रहे हैं। मैं आपको एक बार PUBG लॉन्च करके दिखा देता हूँ ग्राफिक्स की सेटिंग्स पेज। तो ये देखिए इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है PUBG का ग्राफिक पेज है। अगर आप स्मूथ पे जाते हैं तो फ्रेम रेट को सिर्फ लो और मीडियम में रह सकते हैं, और बैलेंस पे भी आप लो और मीडियम पे रह सकते हैं, HD पे आप इस रूम में नहीं खेल पाते हैं। तो आप PUBG जो है HD पे इस रूम के में नहीं खेल पा रहे हैं। और मैंने आपको सारी चीज़ें इस रोम की दिखा दी हैं, तो अब हम बात करेंगे इसको इंस्टॉल कैसे करना। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको एक जिप फाइल चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो कि NSA 20.2.27 वाइड वर्जन, जो कि 1.7 GB की है। आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। ये ऑप्शन हमको रिबूट में यहीं पे मिल जाता है, तो हम डायरेक्टली यहीं से रिकवरी मोड पे चल जाते हैं। अदरवाइज आप फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे, आपका फोन जो है कस्टम रिकवरी पे बूट करेगा। आप कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हैं, कस्टम रिकवरी जैसे कि TWRP हो गई, पिच ब्लैक हो गई, ऑरेंज फॉक्स। हम अपने फोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह का बूट एनिमेशन आपके फोन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है MIUI NSA का। तो ये देखिए फोन जो है हमारा ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी के ऊपर बूट कर चुका है। तो वाइप पे जाइए, डालवी कैश, गैस सिस्टम, विंडर डाटा, इन सबको आपने वाइप कर देना है, एंड स्वाइप टू वाइप कर देना है। जैसे आपके सारे पार्टीशन वाइप हो जाते हैं, आपने सिंपली उस रोम की जिप फाइल को सिलेक्ट करना है, और आपके सामने जो है MIUI NSA का अपना इंस्टॉलर ओपन होगा, जो आपको बताएगा किस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल
इंस्टॉल करना है। तो फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए आपके सामने जो है इनका इंस्टॉलर आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सबसे पहले जो है आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताएगा, कौन सा रोम है, कौन सा वर्जन है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। नेक्स्ट करते ही आपसे पूछेगा आपको एड्स डिसेबल करनी है कि नहीं, आप उसको कर सकते हैं। कौन सा साउंड इंजन चाहिए आपको, कौन सा कीबोर्ड चाहिए, रूट चाहिए कि नहीं, तो मुझे रूट चाहिए तो मैं इनेबल रूट एक्सेस करूँगा। कोई एप्लीकेशन अपने रिमूव करनी है जैसे मी का वीडियो, रेडियो, स्कैनर, कंपास, तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। कैलकुलेटर वगैरह, स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह जिसको डिसेबल करना चाहे वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट कीजिए। अब जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है आपके फ़ोन पे स्टार्ट हो जाएगा। ये नियर अबाउट 1 to 2 मिनट्स लेता है इंस्टॉल होने का, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये रोम जो है सक्सेसफुली हमारे नोट 5 प्रो के ऊपर फ्लैश हो सके। तो ये देखिए फाइनली रोम जो है इंस्टॉल हो गया। आप नेक्स्ट करेंगे और आपका फोन जो है रीबूट हो जाएगा और कुछ इस तरीके की बूट स्क्रीन आपके फोन के ऊपर आएगी। दैट मींस कि रोम आपने सक्सेसफुली फ्लैश कर लिया है। तो इस तरीके से आप Mi 11 के NSA रोम को अपने नोट 5 प्रो के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का रोम और आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।